बिस्तरी के दौरान जब औरत फारग होकर अपना पानी निकालती है तो औरत ये तीन हरकत करती है। अस्सलाम वालेकुम देसी टिप्स पॉइंट के तमाम नाजरीन को खुशामदीद। नाजरीन, मोहब्बत औरत का जेवर होता है और जिस्म इसकी कमजोरी होती है। मर्द को औरत के जिस्म तक पहुँचने के लिए मोहब्बत करना लाजमी होता है। अगर मर्द मोहब्बत का ड्रामा भी करता है तो भी औरत की मोहब्बत का ये आलम होता है और औरत इतनी भोली होती है कि मर्द के झूठी मोहब्बत के जाल में फंस जाती है और इसे अपना जिस्म दे देती है। ज़्यादातर मर्द हजरात बिस्तरी के दौरान ये नहीं जानते और ना इन्हें पता चलता है कि औरत कब फारग हो गई है और औरत ने कब और किस हालत में अपना पानी छोड़ा है। आज की इस वीडियो में हम आपको औरत के फारग होने की तीन हरकत बताएंगे। मर्द के जिस्म पर काटना। बिस्तरी के दौरान जब औरत अपना पानी छोड़ देती है तो औरत मर्द के साथ बिस्तर पर लेट कर मर्द के जिस्म को अपने दांतों से हल्का हल्का काटती है। बिस्तरी करने के बाद ये औरत का मर्द के साथ पसंदीदा फेल होता है, जिससे ये बात साबित होती है कि मर्द ने बिस्तर पर खूब लज्जत दी है और औरत मर्द से राजी हो गई है। औरत बिस्तरी के आखिर में मर्द के साथ शरारतें करना शुरू कर देती है और अपनी शमगाह से मर्द के अजू की तरफ जोर लगाती है, जिससे मर्द की जिंसी तस्कीन में भरपूर इजाफा होता है और मर्द औरत से खुश हो जाता है। मर्द के अजू का गीला पड़ जाना। बिस्तरी के दौरान जब औरत अपना पानी छोड़ देती है तो वो पानी सीधा मर्द के अजू के ऊपर लगता है, जिससे मर्द का अजू इंतहाई गर्म नरमो मुलायम हो जाता है। बिस्तरी के दौरान जब मर्द के अजू के ऊपर औरत की शमगाह का पानी लगता है तो इससे वाजे हो जाता है कि औरत फारग हो गई है और मर्द से मुतमन होकर बिस्तरी के दौरान मंजिल तक पहुंच गई है। औरत की फारग का पानी मर्द के अजू की सेहत के लिए इंतहाई जरूरी होता है। इससे मर्द के अजू में ताकत आती है, इसकी रगें मजबूत होती हैं और मर्द के जिस्म में दर्द को भी खत्म कर देता है। मर्द को टांगों में जकड़ना। बिस्तरी के दौरान औरत फारग होकर अपना पानी तब छोड़ती है जब औरत मुकम्मल तौर पर मर्द से मुतमिन हो जाती है। औरत मर्द के साथ हल्की फुल्की छेड़छाड़ भी करती है, मर्द को अपनी टांगों में खूब जोर से जकड़ लेती है और मर्द के अजू को अपनी शमगा के अंदर दबा लेती है। जब औरत बिस्तरी के दौरान ये दो हरकतें शुरू कर दे, मर्द को अपनी टांगों में जकड़ना और अजू की अपनी शमगा में दबाना, तो इस वक्त मर्द को समझ जाना चाहिए कि औरत मुतमन होकर अपना पानी छोड़ चुकी है और बिस्तरी करते करते मंजिल तक पहुंच चुकी है। वीडियो पसंद आए तो इस लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद वीडियोस हासिल करने के लिए देसी टिप्स पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें।